छतरपुर बड़ा मलहरा कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती का जनसंपर्क के दौरान महिलाओं ने विरोध जताते हुए खरी खोटी सुना दी। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त ही सभी नेता दिखते हैं और जीतने के बाद कोई सुध नहीं लेता। चुनाव को लेकर जनता भी अब सजग हो चुकी है। जनता ने नेताओं को जनसंपर्क के दौरान जवाब देना शुरू कर दिया है। हाल ही में जनसंपर्क करने पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती को रिछारा गांव की एक दलित महिला ने खरी खोटी सुना दी। दलित महिला ने कांग्रेस प्रत्याशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जीतने के बाद नेता सुध नहीं लेते हैं, सिर्फ चुनाव में ही हमारी याद आती है नेताओं को। तुम अनोखी हो, जीतने के बाद गांव क्या हमें तक नहीं पूछोगी। दलित महिला के इस विरोध के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। लेकिन इतना होने के बाद भी अनुसूचित प्रकोष्ठ के नेता जाति के आधार पर महिला से वोट मांगते नजर आए। नेताओं को समझ जाना चाहिए कि जनता अब जाति के ऊपर उठकर वोट करने लगी है। बहन जी, आज तक कैसे तुम्हारी बीती है, आज तुम्हारा दो रंग नहीं, बात सही कर रही हो तुम्हारी कई निपटे कुटका से हमारे साथ। सुनो सुनो, बात सही कर रही, लेकिन आज तक आज तक ऐसे 30-50 साल के हो गए, 50 साल के जेल ढांगे देख रहा है राजा। आज तक ऐसे लोगों को राजपाट देते रहे हैं आप लोग कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। आज बहन जी को आज 15 साल भाजपा की सरकार रही, 14 महीना बने थे लोग कई पैसा लेके आओ। बहन जी का नाम लेगा भग्गो, नाम क्या है बहन जी आशीर्वाद, नाम तुम्हारा आप सावित्री और आगे अहरवा। बहन जी चमार में भी है, माफ करना मेरी बात, और चमार जिला पंचायत सदस्य जी भी है, सीरा देवी अहरवा, माफ करना मेरी बात। कहा थे जात जात का पावने, जात जात में जाए और जात में ना जाए तो कौन जात को, माफ करना मेरे को बहन बात सुनो, आप लोग माफ करना मेरी बात को, आप दया करना, आप लोग आपके समाज में चमार में भी हूँ, इसलिए चमार में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।